सो दोस्तों आज हमारे पास है TVS की एंटोर्क स्पाइडर एडिशन जो कि 2022 मॉडल है, रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाली 91,262 रुपये और आपको ऑन रोड पड़ जाएगी ये 110,545 रुपये। अगर आप एसेसरीज के साथ में लेते हो तो आपको ये टोटल पड़ने वाली है 112,000 के आसपास, जिसमें आपको हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर और जो भी जेन्युइन एसेसरीज रहती है सब कुछ आपको साथ में मिल जाएगी। और इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो अभी हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के बारे में। फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे नए ग्राफिक्स एंड नए कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला जो कि आप देख रहे हो। इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको LED हेडलाइट मिल जाती है और साथ में DRL यहाँ पे मिल जाएगा LED जो कि ऑन होने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इंडिकेटर की बात करें तो आपको बल्ब मिल जाएंगे, ये कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। सो हेडलाइट मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। हेडलाइट का DRL ऑन करूँगा, हेडलाइट के लिए तो आपको इंजन भी ऑन करना पड़ेगा। सो अभी हम DRL देख लेते हैं और सामने चलते हैं। ये रहा DRL, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, बहुत ही कड़क दिखता है ये। और इंडिकेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा इंडिकेटर, ऐसे कुछ दिखने वाला है। और अभी हम रियर में चलते हैं और रियर के टेल लैंप हम देख लेते हैं। सो ये रहा रियर का टेल लैंप, आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा आपको LED मिल जाता है। ये रहा रियर का इंडिकेटर, ऐसा कुछ मिलने वाला है। और अभी हम चलते हैं फ्रंट में, सबसे पहले स्कूटर को ऑफ कर देते हैं। सो ये रहा स्कूटर का फ्रंट लुक। अभी इस स्कूटर में आपको नए स्टिकर वर्क देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में चलते हैं, साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको सुपर स्क्वाड एडिशन की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड स्पाइडर मैन वाले स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको स्पाइडर मैन वाले स्टिकर मिल जाएंगे एंड 62 की ब्रांडिंग। ये इधर से ऐसे कुछ दिखने वाली है स्कूटर। अभी हम चलते हैं इसके दूसरी तरफ और इधर से देख लेते हैं। इधर भी आपको सेम स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है। और रियर की बात करें, रियर का पहले हम देख लेते हैं। रियर का अंदर की तरफ आप देख रहे हो ये रेड कलर का। रियर में आपको मिल जाएगा कोइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर, ये भी एक अच्छा सस्पेंशन होता है। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं, इसके टायर की बात कर लेते हैं। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा जो कि आप देख रहे हो। ब्रांड की बात करें तो आपको TVS का टायर मिलने वाला है। साइज आपको फ्रंट में मिल जाएगी 100/80 की एंड व्हील आपको मिल जाएगी एलॉय व्हील जिसकी साइज रहने वाली है 12 इंच की फ्रंट में। और रियर का भी हम टायर देख लेते हैं। रियर में आपको थोड़ा सा वाइडर टायर साइज मिल जाएगा जो कि आप देख रहे हो। रियर में आपको टायर साइज मिल जाएगी 110/80 की और व्हील साइज आपको रियर में भी 12 इंच की मिलती है। फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको 12 इंच की एलॉय व्हील मिल जाएगी। सो अभी हम इसके ब्रेक की बात कर लेते हैं। आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाएगा, रियर में आपको मिलने वाला ड्रम ब्रेक, ये रहा डिस्क जो कि आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिल जाएगा, इसे आप पेटल डिस्क बोल सकते हो। साइज की बात करें फ्रंट में आपको मिलने वाला है 220mm का डिस्क और रियर में आपको मिल जाएगा 130mm का ड्रम ब्रेक। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको साइक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है, मतलब आपका अगला और पिछला ब्रेक साथ में लगने वाला है। ये रहा आपका ब्रेक कैलिपर जो कि गोल्डन कलर के साथ में आता है। इसके मडगार्ड की बात करें तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो आपको ब्लैक मैट में मिल जाएगा एंड साइड साइड में आपको ब्लू ग्लोसी मिलने वाला है जो कि आप देख रहे हो, ये एकदम सस्पेंशन से अटैच है। और इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको TVS रेसिंग की ब्रांडिंग मिल जाएगी, कार्बन फाइबर फिनिश का टच मिल जाएगा जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक ऐड कर रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिलियन राइडर फुटरेस जो कि अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। बाकी ये रहा इस स्कूटर का एक्सॉस्ट, बहुत ही स्पोर्टी डिजाइन के साथ में आता है, ये कुछ ऐसे मिलने वाला है। ये सब आपको मेटल के साथ में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम प्लेटेड एक कवर मिल जाएगी। और ये रहा स्कूटर का इंजन, आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, अच्छे से अंदर की तरफ कवर किया हुआ है। पहले हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसके इंजन की बात करें तो आपको मिल जाएगा 124.8 cc का इंजन जिसकी पावर आपको मिलने वाला 9.38 PS एट 7000 RPM और आपको टॉर्क मिल जाएगी 10.5 Nm एट 5500 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, थ्री वॉल्व, याद रखना दोस्तों थ्री वॉल्व आपको इसमें मिलने वाला है एंड SI एयर कूल FI और साथ में आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, क्योंकि ये स्कूटर है तो इसमें गियरबॉक्स नहीं होते हैं। सो इधर की बात करें, इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। एंटोर की ब्रांडिंग मिल जाएगी 3D में जो कि देखने में बहुत ही कड़क दिखते हैं एंड स्पाइडर मैन वाले स्टिकर जो कि आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश की टच मिल जाएगी जो कि प्रीमियम लुक ऐड कर रहा है। रिफ्लेक्टर इधर आपको मिल जाएगा और ये स्कूटर इधर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये रहा इस स्कूटर का फुटरेस, आपको कुछ ऐसा फुटरेस मिलने वाला, अच्छी खासी ग्रिप आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको अलग सा टेक्सचर मिल जाएगा, साथ में एक हुक मिल जाएगा बैग कैरी करने के लिए। और अभी हम यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपके की लगेगी, यहाँ से आप लॉक, अनलॉक या फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा हुक मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप कुछ कैरी कर सकते हो। और अभी बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो इसका मीटर कंसोल सबसे पहले हम ऑन करके देख लेते हैं। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे आपका फ्यूल बताएगा और ये आपका बताएगा टेम्परेचर का, ये आपका हेलमेट इंडिकेट करेगा, हेलमेट लगाया है कि नहीं लगाया आपने, आपको याद हो जाएगा तब आप हेलमेट लगा लोगे। और ये ट्रिप का हो गया, स्पीड, ये टाइम, ये
कितना किलोमीटर बाइक चली यहाँ पे बताएगा। इसमें आपको दो मोड्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको इसमें स्ट्रीट मोड एंड स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जो कि यहाँ से आपको दूसरी मिल जाती है, यहाँ से आपको कंट्रोल करना होगा। ये सेलेक्ट का आपको मिल जाएगा, ये सेट का ऑप्शन, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो एंड ट्रिप भी चेंज कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार की। ये रहा इसका थ्रोटल, ब्रेक लीवर एंड किल स्विच। ये पार्किंग लाइट आपको मिल जाती है इसमें, जो कि ज्यादा स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलती है। ये आपका सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे देखो आपको कार्बन फाइबर फिन्स का टच दिया गया, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक ऐड कर रहा है। और यहाँ पे देखो आपको सुपर स्कॉट की ब्रांडिंग मिल जाएगी मीटर कंसोल के नीचे। और इधर की बात कर लेते हैं, ये आपका अपर डिपर, ये आपका इंडिकेटर हॉर्न, ये आपका हो जाता है ब्रेक लीवर। और मिरर आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे। इसमें आपको कॉल अलर्ट बताएगा, मैसेज अलर्ट बताएगा, साथ में आपको मैप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसके लिए आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा सब कुछ। ये स्कूटर राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्कूटर दिखती कैसी है। और इसके बाद हम चलने वाले हैं स्कूटर के रियर साइड में और टेल सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। सो ये स्कूटर रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको टेल लैंप मिल जाएगा, जो कि LED रहेगा, और ऐसा कोई डिजाइन मिल जाएगा। एंड ये रहा रियर का मडगार्ड, यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगा, इंडिकेटर आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। तो सो ओवरऑल ये स्कूटर रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम चलते हैं स्कूटर के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से आपको सेम स्टिकर वर्क देखने को मिलने वाला है, जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। एंड एंटोर की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको एक की का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप सीट ओपन कर सकते हो, साथ में आप फ्यूल कैप भी ओपन कर सकते हो। और इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसी दिखने वाली है। इसमें आपको किक मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे रहा। और ये रहा आपका लेडीज स्कूटर्स मिल जाएगा एंड 3 वॉल्व की ब्रांडिंग मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको 3 वॉल्व का इंजन मिलता है। और ये स्कूटर इधर से कुछ ऐसी दिखेगी और इसमें आपको डुअल स्टैंड, साथ में आपको सिंगल स्टैंड भी मिल जाता है। और ये रहा आपका प्लेयर राइडर फुटरेस्ट। जैसे हमने उधर कार्बन फाइबर फिनिश की फिनिशिंग देखने को मिली थी, वैसे आपको इधर मिल जाएगी। और आपको सेम स्टिकर का वर्क मिलने वाले हैं इधर भी, जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। ये रहा इस स्कूटर के लेफ्ट साइड का फुल व्यू, ये स्कूटर लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाले। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के सीट एंड फ्यूल टैंक के बारे में। इसमें आपको ऐसी कुछ सीट मिल जाएगी, बहुत ही लॉन्ग सीट मिल जाएगी। एंड क्वालिटी की बात करें, काफी सॉफ्ट है, राइड करने में आपको मजा आने वाला है। और यहाँ पे आपको रेड कलर की स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी, जो कि देखा जाए इसके ग्राफिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैच भी कर रहा है। और ये रहा इसका फ्यूल कैप। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। इसकी माइलेज मेरे हिसाब से आपको 35 प्लस मिलने वाली है, बाकी डिपेंड करता आप चलाते कैसे हो। और ऐसा कुछ ग्रेबरेल आपको मिल जाएगा पिलियन राइडर के लिए। और यहाँ पे आपको अलग सा टेक्सचर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा प्रीमियम लुक ऐड कर रहा है। साथ में यहाँ पे भी दिया गया है, काफ़ी डिटेल वर्क किया गया इस स्कूटर में। और मैं आपको दिखा देता हूँ सीट कैसे ओपन होगी। एंड ये फ्यूल कैप, यहाँ पे आपको की लगेगी, ऐसे करोगे ये तो आपकी सीट ओपन हो जाएगी। और ऐसे आप करोगे तो ये आपका फ्यूल कैप ओपन हो जाएगा। और इसे लॉक करने का सिर्फ हल्का सा ऐसे पुश करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। अभी हम सीट ओपन हमने कर लिया है, देख लेते हैं इसका स्टोरेज। आपको इसमें अच्छा स्टोरेज मिल जाएगा, साथ में आपको एक फ्लैश लाइट मिल जाएगी, ताकि अंधेरा ना हो जब आप ओपन करो। और यहाँ से आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, उसके लिए आपको वहाँ पर स्विच मिल जाएगी, आपको ऑन करना पड़ेगा। सो आप इसमें आराम से एक हेलमेट कैरी कर सकते हो, साथ में थोड़ा बहुत आप कुछ भी और भी कैरी कर सकते हो। और ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम इसको लॉक कर देते हैं सिंपल सा यहाँ, एंड ये लॉक हो गई। अभी हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ आपको मिलने वाले 1861 mm, विड्थ आपको मिल जाएगी 710 mm, और इसकी हाइट आपको मिलने वाली 1164 mm। व्हील बेस की बात करें तो 1285 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला 155 mm, और इसका वेट आपको मिल जाएगा 118 kg। सो कलर ऑप्शन की बात करें तो अवेंजर एडिशन में काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है। एक आपको ये मिल जाएगा जो आप देख रहे हो स्पाइडरमैन, दूसरा यहाँ पे थॉर है, और ऐसे ही आपको ये वाला कलर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे कलर हैं, आप शोरूम पे विजिट करोगे तब आपको सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। और इसकी प्राइस की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ, इसकी आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाले 91,267 रुपये, और आपको ऑन रोड ये पड़ जाएगी 1,10,542 रुपये। अगर आप एसेसरीज लेते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 1,12,000 के आसपास, जिसमें आपको हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर और जो भी जेन्युइन एसेसरीज रहेगी सबको साथ में मिल जाएगी। और इसके चेंजेस की बात करें तो नया क्या चेंज हुआ, तो सिर्फ आपको नए स्टिकर वर्क देखने को मिल जाते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको ये नए एडिशन के साथ में आती है, स्पाइडरमैन एडिशन बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। आपको सेम टू सेम वही फीचर्स मिलते हैं जो पहले मिलते थे। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये स्कूटर आप लोग कैसे लेगी। अगर आप देख रहे हो एक मैक्सी स्कूटर 125 cc की, जो कि पैसा वसूल स्कूटर हो, सो ये बाइक के लिए मैं आपको हाँ बोल सकता हूँ, ये बाइक आप ले सकते हो। बाकी आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगे, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जहाँ तक रिव्यूज आए हैं इसके। सो आप लोग ये जरूर सोच लेना। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।